चांसेस काफी ज्यादा है कि ये मैच हाइड्रा अपनी तरफ लेकर जा सकती है, बट अननोन बच कर रही है इनका मोलोटोव से। एक अलग ही दुश्मनी में देख पा रहा हूँ सजाजी, इस फाइट के अंदर 2 से 3 बार हो चुका है इन्होंने मोलोटोव का सामना करा है। अभी के लिए बचते चले जा रहे हैं, बट यहाँ कुछ ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया जाएगा, वेक्सी को एलिमिनेट किया जाएगा रेकनिंग के प्लेयर 3 के द्वारा। वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल ईस्पोर्ट्स का भी एलिमिनेशन होता हुआ हम देख पा रहे हैं, मात्र 6 खिलाड़ी, जहां पर हाइड्रा के पास वो नंबर्स एडवांटेज है, रेकनिंग मात्र 2 प्लेयर्स के साथ, बट हाइट एडवांटेज है, हाई ग्राउंड का एडवांटेज है, चांसेस बन सकते हैं यहाँ। अभी अगर हम बात कर लें स्टार्ट्स की, अगर हम स्टैटिस्टिकल तरीके से देखें तो हाइड्रा के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि 4 खिलाड़ी सरवाइव कर रहे हैं, वो नंबर्स एडवांटेज रहेगा। और हम कितने अच्छे तरीके से जानते हैं कि मिरामार में जिस टीम के पास वो नंबर्स एडवांटेज रहता है, जीतने के चांसेस उन्हीं के ज्यादा भी होते हैं। सर्कल अभी के लिए हाइड्रा के पास है, रेकनिंग के पास देखने को नहीं मिल रहा, तो रेकनिंग को एट द एंड आना पड़ेगा सर्कल की तरफ, ओपन एरियाज की तरफ आना पड़ेगा, जहां हाइड्रा के पास एक मौका रहेगा कि वो गेट कीपिंग सिनेरियो क्रिएट करके रेकनिंग को एलिमिनेट कर सके। जी हाँ, अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको छिप जिक्र है, हाइड्रा दे आर हैविंग द नंबर्स एडवांटेज, ये गेम जैसा बोला हाइड्रा का हो सकता है, क्लियर टू एक बहुत सिग्नल रेकनिंग का नोट में यहाँ पे डाउन कर देंगे। Now it is just left for the single player, उनको 20 पे डाउन किया जाएगा ना। Hydra again and again and again, ये टीम टॉप पे है और टॉप को बरकरार रख रही है। A huge winner by the side of team Hydra.